नाम ही मिलती है गिफ्ट में, तो ये नाम ही ये जी है, ज्यादा तेरे को नहीं मिलेगी। कितनी सेक्सी लग रही है, उसी कटाना पे उसकी आंखें बनी होती हैं। ओ भाई लुक एट दिस। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और पता है सुबह से कितने अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे साथ। मेरे को किसी इंसान ने लिफ्ट पूछी, मतलब लिफ्ट दूँ आगे तक, ऐसा। ये सुबह मुझे टाइम नहीं मिला आगे रिकॉर्ड करने का, कि बहुत काम वगैरह था ऑफिस का। सो अब बताता हूँ क्या हुआ। मैं घर से निकला और मेट्रो की तरफ जा रहा था, तो साइड से अंकल आया स्कूटी पे, उन्होंने कुछ बोला, मुझे लगा शायद रास्ता पूछ रहे होंगे, पर उन्होंने बोला बेटे आगे तक लिफ्ट दे दूँ। मैं आई एम कंफ्यूज्ड, आजकल क्या हो रहा है। एक जगह कोई लड़की मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही है और एक जगह अंकल मुझे लिफ्ट देने की बात कर रहे हैं भाई। और इसके बाद एक चीज और हुई, तुमने देखा शुरू शुरू में मैंने मास्क पहना हुआ था, तो घर से लेके ऑफिस तक मैंने पूरा टाइम मास्क ही पहना था। और मैं तुम्हें बता रखा है मैं ब्लू से येलो लाइन चेंज करता हूँ, तो जब मैं चेंज कर रहा था उस टाइम मेरे ऊपर मास्क था, जब बाहर निकला सामने लौड़ा अंदर आ रहा था, उसने मेरी आंख के बस ये पार्ट देख के पहचान लिया मेरे को। आई वाज लुकिंग लाइक दिस, ऐसा लग रहा था मैं, और ऊपर ब्लैक शर्ट थी, कुछ एनिमे का भी कंटेंट नहीं था, मतलब ऐसे पहचान लिया उसने मुझे इस चीज के अंदर। फोटो वीडियो में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेट्रो बंद होने वाली थी, वो भी जल्दबाजी में था। मैंने उसे बोला ध्यान से जा, ध्यान से जा। उसने बोला एक मिनट, मैं आपको जानता हूँ, अब व्यू को बोला हाँ कैसा है, कहता भैया मैं आपको देता हूँ, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हो। बोला ध्यान से मेट्रो बंद होने वाला है, कहता आपकी वीडियो बड़ी पसंद आती है मुझे, आशा लोग मैं देख रही है, ये यूट्यूबर है क्या। आई विश मैं फोटो वीडियो कर पाता लौंडे के साथ, बट मेट्रो बहुत जल्दी बंद होती है इसलिए नहीं हो पाया। और आप तो मेरे बहुत लोग कह रहे हो आप बियर्ड बहुत बड़ी हुई, थोड़ी छोटी करवा लो, पर बियर्ड सही में काफी बड़ी हो चुकी है और मैं वही ठीक करवा जा रहा हूँ, थोड़ा बाल भी कटवा ही लूंगा। आते हैं ना हुलिया बदल के। Yo, I'm back. बताओ कैसा लग रहा है अपन। मैं ना अभी अपने एक्ने के ऊपर लगाने वाला हूँ एक बैंडेज, उसका रीजन है कि ये फूट चुके और से बार बार खून आया जा रहा है, और मुझे भी सेकंड चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है। बैंडेज लगाने से पहले मैंने सोचा मैं भी बैडास लगूंगा एनिमे कैरेक्टर की तरह, इतना भी नहीं लग रहा। वैसे मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊं अपने 75 डे हार्ड के बारे में, मतलब मैं क्या चीजें सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कुछ। जैसे जिम के टाइम में ना मैं कभी कभी च्युइंग गम खाता था, अब 75 हार्ड चल रहा है तो मैं वो भी नहीं खा रहा हूं। इवन मैंने दो ब्रांड डील रिलेटेड टू सम प्रोडक्ट खाने का कुछ ही मना कर दिए हैं। व्हाई दो? बिकॉज मैं हूँ 75 डे हार्ड पे, ये है मेरा डेडिकेशन। साथ में तुम लोगों को याद होगा रिसेंटली एक एनिमे इवेंट हुआ था जहाँ मैं एज अ गेस्ट इनवाइटेड था, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे प्रॉपरली मिल नहीं पाया था, मैं तो मिलता पर वो मुझे कहता है कि मैं वो प्रॉपरली ग्रीट नहीं कर पाया, तो हमने डिसाइड करा कि हम सैटरडे को मिलते हैं। अब जो 75 हार्ड है ना वो मेरा डेली रूटीन है, मतलब कुछ यूनिक चीज नहीं है मेरे 75 हार्ड एक्सेप्ट फॉर रीडिंग बुक। तो मैं उनको बोला चलो ठीक कल मिलते हैं, उनका मेरे सामने रिप्लाई आता है बट एक सेकंड आप 75 डे हार्ड पे नहीं हो, एंड आई एम लाइक अरे हाँ यार वही ना मेरा रोज का वही रूटीन है, तो मेरे को याद ही नहीं था कि मैं 75 डे हार्ड भी हूँ, और यूजुअली फॉलो भी करता हूँ। आज सैटरडे अराउंड 7 बज रहे हैं, और जैसे मैंने बताया था मुझे एनिमे ग्रुप इंडिया के जो हेड है उनसे मिलने जाना है, पर जाने से पहले मैंने एक चीज नोटिस करी, जो मैंने आज वीडियो डाली सेकंड चैनल के ऊपर, बहुत अजीब चीज हो रही है यूट्यूब के अंदर, मेरी वीडियोस के व्यूज स्टक हो चुके हैं। लेट मी शो यू, यदि पहले जगह की वीडियो और यदि आज जगह की वीडियो, इस वाली वीडियो के अंदर विद इन कुछ 50 मिनट्स कुछ 18 के व्यूज आ गए थे, और देखो 3 घंटे हो चुके हैं बस 23 के व्यूज हैं, जो कि एक्चुअली में गलत है क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज स्टक हो चुके हैं। मैं तुम्हें अपना स्टूडियो दिखाता हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, मैंने आज वीडियो डाल ली, देखो आज 23 को डाल ली है। यूजुअली मैं 3 घंटे के अंदर 38 के से 51 के व्यूज आते थे, बट इसके अंदर व्यूज 109 के आ चुके हैं 3 घंटे के अंदर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, बट एज यू सी यूट्यूबर स्टक हो चुका है इसका रिस्पॉन्स। और खाली मेरे फोन में दिक्कत नहीं है, तो इसके अंदर कुछ 323 के व्यूज ही दिखा रही है। लाइक्स देखने कितने लाइक्स होंगे, 17 के लाइक्स पे क्या 23 के व्यूज होते हैं? नो, जैसा तुमने देखा यूट्यूबर मेरे सेकंड चैनल में भी हरकतें कर रहा है, मतलब हरकतें नहीं तो नहीं है, लाइक कुछ येलो डॉट तो नहीं आ रहा, बट व्यू स्टक हो गए यूट्यूब बाय। तो गाइस फाइनली आई एम विद शुभम द ओनर ऑफ एनिमे ग्रुप इंडिया, इज अ रियली नाइस गाय, इन्होंने मुझे इनवाइट करा था 19 के इवेंट को, और आज हम बैठे हुए हैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है खाने को, बट एज यू नो मैं 75 डे हार्ड पे हूँ, हमारे बड़े भैया वेज हैं, सो हम वेज खाने वाले हैं पूरा का पूरा। सो माय सेल्फ डॉक्टर शुभम सिंगल बाय प्रोफेशन, डॉक्टर बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो कभी माइंड खराब हो जाए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। और अभी हम थोड़ा खाना वाला खाएंगे और बात करेंगे कम्युनिटी के बारे में। मेरे को घंटा नॉलेज नहीं है क्या ये, बट ये प्योर वेज है, इसके अंदर ब्रोकली और ग्रीन वेजिटेबल बहुत सारी भरी पड़ी हैं। हमारा खाना हो गया हाँ। और मुझे गिफ्ट मिला, इसमें बहुत कुछ है, मैं तुम्हें घर जाकर दिखाऊंगा। ओके आई एम होम एंड हियर आर द गिफ्ट्स। ए विकी नाम, ओके तू दूर हो, मेरे गिफ्ट तेरे नहीं है, तू दूर, माइन इज माइन नॉट योर्स। क्या है, क्या कैमरा चाहिए, आईफोन। सो ये कार्ड है, ये किसका बेच दिया जी हाँ, तो काटना पड़ेगा मेरे को जो दूध चुका है, डोंट नो क्या चीज़ है पर देखूंगा। एंड वी हैव दिस मिस्टीरियस सिल्वर बॉक्स जिसके अंदर पेन है दो,
थैंक यू सो मच, अच्छे पेन भी, और लास्ट चीज टी शर्ट आई है सर, एक लूफी का वो भी है, या दिस इज नामी, व्हाट द मंक के लूफी नामी, भाई मुझे नामी मिलती है गिफ्ट में, तो ये लीजिए नामी, ये लीजिए ज़्यादा तेरे को नहीं मिलेगी। एंड हियर इज द टी शर्ट जो थोड़ी अलग है, देखो उसका जो साइज है पीछे लिखा हुआ है XXL, कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज मेरे लिए, बट द थिंग इज इसके जो शोल्डर्स हैं एग्जैक्टली सही जगह आ रहे हैं, मेरा पेट इधर खत्म हो रहा है और देखो कहां तक आ रही है, लाइक निक्कर भी कितना सा रह गया बस, ऊपर से फिटिंग वाइज तो बिल्कुल सही है बट नीचे थोड़ी ज्यादा लंबी लग रही है मुझे, बट हाँ टी शर्ट बहुत मस्त है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर, साथ में तांजीरो डी में से लिखा है और पता नहीं जापानीज में क्या लिखा है जो आई कैन नॉट रीड। हम इतना सुनते हैं ना कि पेड़ मत काटो बुरो होता है वो सब, मैं अब नोटिस कर रहा हूँ अपने आंखों के आगे, मेरे ऑफिस के आसपास बहुत बंदर होते थे और यहाँ बहुत डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो सुबह से लेकर अब तक लगे मुझे एक भी बंदर नहीं दिखा, यहाँ पे इफेक्ट करते हैं चीजें, पता है बड़े बड़े कोर्ट्स में क्या दिक्कत होती है कुछ समझ नहीं आता। Day 35, देखो मैं रोज तो ऑफिस नहीं आता हूँ, मेरे को पूरे एक महीने में 12 दिन आना होता है, मतलब वीक में 3 दिन, बट इसी मंथ G20 भी हुआ तो वीक के जिन दिन मैंने डिसाइड करा होता कि मैं आऊंगा उन दिनों बंद ही होगा सब कुछ, तो लास्ट वीक मुझे हर दिन आना पड़ेगा, और मैं कल जिस कोड में काम कर रहा था वो हो गया ठीक। ओके मैं वापस आ गया, जैसे मुझे कॉल आई कि वैभव आपका कोई पार्सल आ रहा है, वीडियो टाइटल में लिखा समझ जाओ क्या आ रहा है, मैं एक और तलवार आ गई, तीन तलवार होगी, लड़ेगा तू मेरे साथ बता लड़ेगा, डर गया अभी से। इस माल को अनबॉक्स करते हैं, बट उससे पहले मैं जब इसे लेने गया ना तो जो भैया मुझे दे रहे सामान उनको आसपास कुछ और सामान भी डिलीवर करना था, तो वो किसी फोन पे बात कर रहे हैं जो मेरे सामने अराउंड 3rd floor पे था, वो इंसान इस डिलीवरी बॉय को बोल रहा है अपनी बाइक यहीं छोड़ के, जो सामान है बाइक में वो सब वहीं छोड़ के उसका सामान उसके फ्लोर पे देने आओ, ब्रो यू आर दिस लेजी। पहले मेरे को लगा मे बी घर में अकेला हो या घर में कोई छोटा बच्चा हो, बट उसके साथ में 3-4 लौंडे और खड़े थे, अगर तुम में से कोई ऐसा है ना प्लीज डोंट, डिलीवरी बॉयज की लाइफ वैसी बहुत हार्ड होती है, उनको और सीढ़ियां मत चढ़ाओ, तो अगर तुम्हारा सामान है तो नीचे आके लेके आओ ठीक है। हम लोग अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, इसके अंदर एक्चुअली में कोको शिबो की कटाना है, निचेरिन स्वॉर्ड वही बोल लो, और कटाना खोलने के लिए मेरे पास कुछ भी चीज नहीं है, बहुत बढ़िया, पर कोई नहीं मी टू स्ट्रॉन्ग, कोको शिबो काटेगा मेरे सामने फाड़ दूं उसको भी मैं। वैसे मैंने पहले सोचा था कि सास की जो स्वॉर्ड है वो मंगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से 2 katanas है, एक फ्रॉम ब्लीच एक फ्रॉम वन पीस, अगर मैं मंगा लेता सास के की तो मेरे पास एक कटाना होती फ्रॉम नारुतो, मतलब बिग 3 katanas तीनों की, बट सास के की कटाना बहुत नॉर्मल सी है, इतना कुछ खास नहीं लगती मुझे वो। ओके सो ओके हियर इज द कटाना, तुम लोगों को नहीं दिखी, लो देखो मेरी कटाना, लुक एट दिस, कितनी सेक्सी लग रही है उसी कटाना पे, उसकी आंखें बनी होती है, ओ भाई लुक एट दिस। कटाना के साथ में मुझे 1 piece का की चेन भी मिला, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने कटाना परचेज नहीं करी, ये कटाना मुझे कटाना मर्सेंसी ने भिजवाई है, सो या लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेरे पर डीमसर की मांग है और वो पूरी पूरी कोकोशिबो की आर्क पे बेस्ड है, एंड नाउ आई हैव दिस स्वॉर्ड एज वेल, बट जिन्होंने डीमसर देखा है वो सोच रहे होंगे भाई कोकोशिबो का जो फाइनल निचली स्वॉर्ड होती है ये वो तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ स्पाइक्स उठे होते हैं कहीं कहीं से, वी हैव समथिंग इन हियर एज वेल, ये वो ब्लेड जो स्वॉर्ड पे भी लगे हैं, और फिर फाइनल दिखाता हूं मैं क्या प्रोडक्ट बने गए। तलवार तैयार हो चुकी है, बॉयज एंड गर्ल्स ग्रेट रेडी टू विटनेस कोकोशिबो'स रियल निचेरिन स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, ऐसे पड़ा होता है ना उसने कटाना को अपनी, सो या यह है कंप्लीट डिजाइन कोकोशिबो की कटाना का, 2 पहले ही है, तीसरी ये हो गई, इसको तो मैं ऐसे रखूंगा ऐसे बड़े लगेगी, जस्ट लुक एट दिस, मेरी माँ की माँ छुप गई बट दिस लुक सो गुड। तो अब से मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा लगेगा, एक मिनट को लाइटनिंग भी ऑन करता हूँ, तो अब से मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा लगेगा ब्रो, Yes, this looks so sick. वैसे हाँ पीछे रखने के लिए शायद मैं इसको कवर वगैरह के अंदर रखूंगा, बिकॉज अगर ये गिर भी गई यहाँ तो टूट वूट ना जाए, देखो ऐसे पूरी वुडन की है और यहाँ पे ऐसे होल्स है और इनमें ऐसे यहाँ पे जाते हैं, तीनों मस्त लग रही है, एंड सरप्राइजिंगली कोकोशिबो की सबसे लंबी है FUC। और तुम्हें ये याद है इसको बीच में से नहीं तोड़ने वाला मैं, ये एक्चुअली उसका स्टैंड था उससे कनेक्ट होता है और ये कुछ ऐसा लगता है, एंड या ये भी मेरी माँ की माँ के साथ ही रहेगा मेरे CPU के ऊपर अब से, या फिर इसको यहीं कहीं सेटअप में लगा दूंगा। वीडियो को लास्ट सेक्शन भगवद गीता, अध्याय 2 खत्म हो गया था और अध्याय 3
कर्मयोग। मैंने अध्याय 3 पूरा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा है अभी, बट जो भी मैंने पढ़ा वो पढ़ के मैंने रियलाइज करा कि इसमें से 90% ऑफ द थिंग मैं फॉलो करता हूँ। इतना बढ़िया फील हुआ। और मैंने पढ़ा क्या, देखो पहले कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि कर्म कर, रिजल्ट मत देख क्या आने वाला है, अच्छा बुरा जो मर्जी हो तू कर्म कर। और ये लाइन तुमने पहले भी काफी बार सुनी होगी बट अलग फॉर्म्स के अंदर। मैंने बहुत बार बोला है कि काम करो, अपना 100% दो, रिजल्ट का फिकर मत करो। देखो अर्जुन कृष्ण जी को ये बोलते हैं कि ज्ञान कर्म से अधिक उत्तम है। अब ये बात कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय के अंदर बोली थी। उन्होंने बोला था जो ज्ञानी लोग होते हैं वो चाहे कुछ अच्छा हो उनके लाइफ के अंदर, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो एक सिंगल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहते हैं, जो तुम्हें भी रहना चाहिए। सिंपल बात, नेवर मेक अ डिसीजन व्हेन यू आर टू हैप्पी और व्हेन यू आर टू सैड। जब भी तुमको डिसाइड करना है तभी करो जब तुम्हारा दिमाग शांत हो। ये चीज कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय के अंदर बताया था। तो अर्जुन कृष्ण जी को ये बोलते हैं कि आपने खुद बोला था ज्ञान कर्म से अधिक उत्तम है, तो आप मुझे ये कर्म करने को क्यों कह रहे हो, मतलब आप मुझे वॉर करने को क्यों कह रहे हो, आप मुझे अपने लोगों मानने को क्यों कह रहे हो। अर्जुन आगे बोलते हैं कि अगर मैं ज्ञान वाला रास्ता अपना लूंगा मतलब मैं कर्म करूंगा ही नहीं, तो कुछ होएगा ही नहीं, रिजल्ट होएगा ही नहीं, जो कि एक्चुअली में गलत स्टेटमेंट है। कैसे गलत स्टेटमेंट है वो कृष्ण जी प्रूफ करते हैं। कृष्ण जी बताते हैं जैसे कोई इंसान पैदा होता है वो कुछ करे या ना करे उसका रिजल्ट होना ही होना होता है, कुछ ना कुछ, मतलब तुम कुछ करो या ना करो कुछ रिजल्ट आएगा ही उसका। मैं तुम्हें एक बहुत प्यार एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो तुम एक सोसाइटी के अंदर रहते हो जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, और मान लो उधर दो टाइप के लोग हैं, एक जो कह रहे हैं मच्छरों को मार दो और एक जो कह रहे हैं मच्छरों को मत मारो। अब दूसरे वाले सोच रहे हैं कि मच्छरों को नहीं मारते इसलिए उन पे पाप नहीं चढ़ेगा, बट अगर उन्होंने मच्छरों को नहीं मारा तो मच्छर इंसानों को काटेंगे, उनसे इंसानों को दिक्कतें होंगी और उससे डेथ भी हो सकती है ह्यूमंस की। सो उनके कुछ ना करने पे भी रिजल्ट वही आ रहा है, मे बी सेम वो रिजल्ट ना आए बट कुछ आएगा ही रिजल्ट। तीसरे अध्याय के फर्स्ट हाफ के अंदर किसी ने यही समझाते हैं कि कर्म करो, काम करो, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही। एंड आई होप मैंने जो एग्जांपल दिया उसको मैं और प्रॉपरली समझ आया होगा। जस्ट एक पॉइंट, ये मेरा एग्जांपल नहीं, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था प्रॉपरली समझने के लिए, इसलिए मैं तो वही एग्जांपल बताया। तो चलो आज की वीडियो इतनी थी, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।